अंदाजा बता दो कि कितना कमा लेते हो आप लगभग यूट्यूब से? कम कर लेंगे तो ऐसा है हमारे मिलियन मिलियन व्यूज पा के नहीं। अगर जो ये पंकज सरावत आज मेरे साथ बैठे हैं, अगर आप यूट्यूब चूज ना करते तो आप क्या होते हैं? मैं विद्यार्थी जो था उसने मुझको बोला कि एक सर एक सेल्फी लेनी है आपके साथ, तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि मैं आज की सेल्फी ऑटोमेटिक निकल गया। तो ये आपकी जो जर्नी थी यूट्यूब की जीरो से लेके 100 के तक की, तो इसमें आपका फैमिली का क्या रोल था? फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, रोका? दूर से ही किसी ने बोला वाले भैया मेरा क्या नाम, जब अपना नाम आता है तो एकदम से कहीं से भी आवाज निकलती है ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन नहीं आती है। तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपने साथ हैं कोटपुतली के उभरते सारे पंकज सहरावत भैया, और भैया का एक छोटा सा इंट्रो आपको मैं दे दूं। भैया का एक यूट्यूब चैनल है कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, और भैया के उस पर 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और भैया का सिल्वर प्ले बटन आ गया। तो भैया बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक बार दिखाओगे आप अपना सिल्वर प्ले बटन? तो भैया भैया का सिल्वर प्ले बटन है। और एक और आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ ना, इस पर भैया ने खुद का नाम ना लिखवा कर, भैया का नाम है वैसे पंकज शेरावत, तो भैया ने खुद का नाम ना लिखवा के इस पे लिखवा है कोटपुतली एजुकेशन। चैनल का नाम भी भैया का कोटपुतली एजुकेशन नाम से ही है। भैया खुद अपने आप को प्रमोट नहीं करे, एक तरह से अपने शहर को प्रमोट कर रहे हैं ना, और ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी भैया की। तो इसको रख देते हैं यहाँ, और अब हमारे साथ जो पंकज भैया हैं वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि कैसे भैया यूट्यूब में आए, क्यों आए, कौन लेके आया, मेन रीज़न क्या था, पहले से इंटरेस्ट था, बचपन से आपका इंटरेस्ट ये था कि मेरे को यूट्यूब ही करना है, वो तो किसी का नहीं होता, मेरे को पता है कि एक वो होता है कि या तो कोई जबरदस्ती बोले हाँ भाई तू डाल दे, हाँ क्या दोस्त होता है डाल दे ऐसे ही डाल दे एक वीडियो, तो फिर वो जैसे अपना मेहनत करते जाते हो तो आगे चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ अपने भैया आप बताएंगे जर्नी की, कैसी रही कैसी नहीं रही, और अपना इंट्रो देंगे भैया। भैया बताइए। नमस्कार, मैं पंकज शेरावत, कोटपुतली एजुकेशन मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब इंफॉर्मेशन और कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे राजस्थान स्टेट के मतलब कि यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की जितनी इंफॉर्मेशन होती है सारी हमारे चैनल के माध्यम से है। मैं स्टूडेंट को एडमिशन के समय से ऐड करके तो रिजल्ट तक के साथ में जुड़ा रहता हूँ, उसकी जितनी भी आवश्यकता रहती है या उसकी सरकार की जितनी भी योजनाएं हों स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी में उसको मतलब कि मैं हिस्सेदारी ऐसे दिलवाने। तो भैया इसका मेन जो फर्स्ट ऐप होता है यूट्यूब का, वो आपने कब रखा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कब किया था? मेरा जो चैनल बना जो 22 वो हमने सोचा था लगभग हमने 2022 में ना डेट जनवरी 26 जनवरी 2022 को, लेकिन हम 25 को प्लान कर चुके थे। अच्छा, 25 जनवरी में सोच रहे थे कल हम चैनल बनाने का सोच रहे थे, लेकिन फाइनल तब तक नहीं था सुबह तक भी, लेकिन 26 जनवरी को मैं और मेरे दोस्त थे ऐसे अपने जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है वो हम देखने गए हुए थे ऐसे स्कूल में, मतलब कि हमारे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल में गए हुए थे, वहाँ से फिर सोचा हुआ था कल का कि भाई यूट्यूब चैनल बनाएंगे कल, तो फिर ऐसे बस सुबह के 11 बज रहे थे सोचा था कि पहुंचोगे लेकिन इतना जल्दी यहाँ पे मेरे को पहुंचा देंगे मेरी जो फैमिली यूट्यूब फैमिली है ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये मतलब की जितनी मेरी सोच थी उससे कहीं ज्यादा अटैचमेंट पे विद्यार्थियों ने मेरे से की, तो इन्फॉर्मेशन मिली इस वजह से हम लोगों ने सब्सक्राइब किया और 1,00,000 की फैमिली हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके पीछे जो मेन किसी अपनी फैमिली को रखना चाहोगे, दोस्तों को रखना चाहोगे, कि आपको मोटिवेट किसने किया कि भाई तू यूट्यूब चैनल बना और तू आगे बढ़ इस चीज में, तू परफेक्ट है? ये चीज तो जैसे मैं कहूँ कि जो चीज मैं इन्फॉर्मेशन की कर रहा था ये मैं पिछले 5-6 साल से लगातार कर रहा था, अब कॉलेज स्टूडेंट्स को देते थे, मतलब कॉलेज में था ये कह सकते हो आप एक तरह से पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, कनेक्टिविटी, और उससे मैं थोड़े समय बाद में जब मैं मतलब स्कूल से कर रहा था तो मैं सेकंड ईयर फाइनल में मैंने विभिन्न छात्र संघ में 20 साल
आपने कभी सोचा ही होगा कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का सोचा कभी? चुनाव लड़ने का विचार आया था बीच में, फैमिली पूरी एजुकेशन से रही है, आप किसी एक पर्सन को रखना चाहोगे कि इसके पीछे, इस बंदे के पीछे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका बहुत बड़ा हाथ है, फैमिली को रखना चाहोगे? फैमिली में से किसी पर्सन को या किसी दोस्त यार कोई भी आप एक बंदा बता यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशली कम तो मुझे जितना फोर्स किया मेरे मित्र हैं कि मानसू सेन पत्रकार हैं, जो पत्रकार हैं उन्होंने मेरे को इतना फोर्स किया है कि यूट्यूब चैनल बना ले बना ले। मैं कह रहा हूँ ना चलेगा, उसका भी खुद का यूट्यूब चैनल था, अच्छा वो भी चला रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, तो मुझे उन्होंने काफी फोर्स किया, बोलते नहीं होगा एडिटिंग वगैरह ये सब पता नहीं कर पाऊंगा, और जब तक मैं नोटिस बना के वीडियो बनाता हूँ तब तक लोग शेयर कर देते हैं, पता नहीं मेरे चैनल पे व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मेरे थोड़ी ऐसी चलती थी दिमाग। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने चैनल बनाया, इन्फॉर्मेशन की कभी नोटिस शेयर कर देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को समझा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं, बहुत सी चीज़ें एक आजकल का जो नोटिस आता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि या तो प्योर हिंदी देखने को मिलता है या फिर प्योर इंग्लिश देखने को मिलता है, तो विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स में कन्फ्यूज हो जाता है जो सिमिलर से होते हैं, बहुत से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजों में लेकर कन्फ्यूज होता है, तो जैसे हमारा फोकस है राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर हम करते हैं, आपकी जो जर्नी थी यूट्यूब की जीरो से लेके 100 के तक की, तो इसमें आपका फैमिली का क्या रोल था? फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, रोका? जैसे कि मैं मेरा बता दूं, मेरा तो कहते हैं कि तू नादान है, तू बच्चा इसलिए कर रहा है, मतलब एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली फ्रेंड्स तो कर रहे हैं थोड़े बहुत पर एक तरह से नहीं कर रहे फैमिली, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि फैमिली सपोर्ट किया है नहीं किया? एक्सपीरियंस की बात ये कहूँगा कि जब मैं जीरो सब्सक्राइबर पे था तो मेरे फोन में लगभग 5-6 हज़ार कॉन्टेक्ट थे, पहले दिन की बात कर लेता हूँ, तो मुझे लगा था कि यार 1000 सब्सक्राइबर तो पहले दिन ही हो जाने चाहिए, ये चीज मैं भी वहम में था इस वहम में, लेकिन मुझे 13 दिन लगे थे 1000 सब्सक्राइबर होने, तो उसी दिन मेरा फितूर तो ये निकल गया था कि यूट्यूब आसान है या नहीं है, या फिर लोगों से कनेक्टिविटी वो देखते होंगे या फिर आप सूचना लेते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब के बटन पे कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा, इस चीज़ को साइड निकालना पड़ेगा। दूसरा बात फैमिली को लेके, तो फैमिली को समझाना इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मुश्किल होता, तो ये था कि फैमिली शुरू में काफ़ी डिमोटिव रहा, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं ये करके रहूँगा, मेरा ये काम है, मैं शुरू से ऐसा करता आया हूँ, तो इस चीज़ को एक बार इस पर ट्राई कर, और मेरी आदत है कि मैं शुरू जब करता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ शुरू हो जाती है ना तो फिर उसमें मेरे का वापस जाने वाली आदत नहीं है, उसको करके माने, ऐसा मैंने मोटिवेशन लेके रखा था। फिर ये नहीं कहा कि नहीं भाई गलत लाइन में जा रहा है, इसकी जगह ये ना करके और कोई गवर्नमेंट नौकरी देख या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर, होते हैं ना आजकल तो बहुत ज़्यादा दो ही लोग जो पेरेंट्स हैं उनको यही चाहिए भाई मेरा लड़का अच्छी नौकरी पकड़ ले, 60-70 हज़ार महीने के कमाए और अपना खाए बस। यूट्यूब को आप जहाँ से अपन बिलोंग करें वहाँ की बता रहा हूँ, यूट्यूब की तो कुछ कोई मानता ही नहीं कोई यूट्यूब करके कोई प्लेटफॉर्म भी है, नहीं मानता ना प्लेटफॉर्म, कम मानते हैं, कम मानते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी स्किल है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, तो आई थिंक आप अच्छा कर सकते हैं। हाँ भैया, तो भैया दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपने चैनल स्टार्ट किया तो बीच में डिफिकल्टीज भी आई होंगी बहुत सारी, डिमोटिवेट भी होंगे कई बार, जैसे यार आज वीडियो पर रीच क्यों नहीं, इस वीडियो पर मेरे व्यूज क्यों नहीं आए, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं ना अपन, यार छोड़ अब सब छोड़ छाड़ के चलो, तुम नहीं करना यूट्यूब, ऐसा भी कभी फीलिंग आई होगी? लगता है शुरू में जब हम करते हैं ना चीजें, आज भी काफी वीडियो बनने की ऐसा रहता है, ऐसा नहीं कि आज कई वीडियो अपन बहुत मन से बनाते हैं पर उस पर रीच नहीं आती, लेकिन जिस चीज पे ये मैंने देखा यूट्यूब में, अगर आप जिस कंटेंट पे ज्यादा मेहनत करते हैं ना वो रुक जाता है, सही बात, लेकिन वो लंबे समय के बाद में चलेगा, क्योंकि उसमें आपने तरीके से मेहनत तरीके से, इसलिए कोई भी वीडियो हो ऐसा भी हो कंटेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको तैयारी मतलब बिना तैयारी करके उसको बना दे रहे, अच्छी तैयारी करके बनावे ऑडियंस में रुके, क्योंकि अगर आपको देखता है तो उसको लगना चाहिए कि आपके ऊपर समय अगर दे रहा है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा उसमें मिलना चाहिए, और जब रुकेगा तो आई थिंक आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टाइम ये रियलाइज कब हुआ था कि भाई मैं फेमस हो रहा हूँ या मेरी वीडियोस बढ़िया चढ़ रही हैं, किसी एक वीडियो की वजह से ऐसा हुआ, या आपको कोई रास्ते में भाई लोग मिलते हैं ना भैया आपकी वीडियो देखी मैंने तो एक अंदर से खुशी होती है, ऐसा फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज कब हुआ था, कितने सब्सक्राइबर्स थे आपके और कौन सी वीडियो से लगा कि आपको ये सब हो रहा है?
लगभग मेरे 5,000 सब्सक्राइबर तक हुए थे जब मैं कॉलेज गया था। अब एक पहला मुझे याद है कि विद्यार्थी भैरोड से है जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब पढ़ता है यहाँ पे, उसने एलवीएस में पढ़ता है, उसने मुझे कहा भैया सेल्फी लेनी है आपके साथ। तो मैंने मतलब कि मेरा उस टाइम इंटरेक्शन पता नहीं कैसा ही रहा, मतलब अंदर से एक फील तो आया होगा यार अपन भी। मैं 4-5 लोगों का हमारा ग्रुप था वहाँ पे, हम जा रहे थे वहाँ पे साइंस ब्लॉक से, हम आर्ट्स ब्लॉक की तरफ जा रहे थे कॉलेज में। तो विद्यार्थी जो था उसने मेरे को बोला कि भाई सर एक सेल्फी लेनी है आपके साथ में। मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि क्या बात की सेल्फी यार, ऑटोमेटिक निकल गया। मुझे नहीं पता था कि चीजें क्या रहेंगी क्या नहीं है, हालांकि किसी में थोड़ा देखता भी नहीं होता जानते। तो फिर क्या है कि वो नाराज हो गया, फिर मैंने उसके साथ में फोटो भी लिया, उसके बाद में बोला भी, उसका नंबर भी मैंने सेव किया और उससे सॉरी भी बोला मैंने यार मैंने निकल गया ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ एटीट्यूड ऐसा कुछ लगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था किसी से ऐसा लोग जाएंगे। मेरा प्रयास रहता बिल्कुल सिंपल रहने का, जितना वो कोशिश ये रहती है कि हम आसानी से लोगों तक अवेलेबल हो। इन्फॉर्मेशन का चैनल है, हम इन्फॉर्मेशन पे काम करेंगे तो आई बेटर होगा। और हम लोग क्या ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं देते, इंस्टाग्राम मेरा हमारा जो है उससे हम यूट्यूब और इंस्टा दोनों में डिस्क्रिप्शन में सेम है, तो वो हमने क्या है कि कैसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम अवेलेबल करवाते हैं। तो एक राजस्थान में योजना आई थी विद्या संबल योजना, वो इस तरीके से मेरे वीडियो वायरल हुए, मतलब एक वीडियो आपकी वो भी वायरल हुई थी, एग्जाम कल एग्जाम है कुछ पढ़ा नहीं। मैंने बताया था, काफी विद्यार्थी कहते हैं एक दिन पहले कैसे हो सकता है। वो वीडियो आपकी सबसे ज्यादा शायद मोस्ट व्यूड है, उसमें केवल इतना बताया था कि आप लास्ट में जैसे समय कम होता चला जाता है ठीक वैसे ही कंटेंट भी आपको कम करते रहना चाहिए, किताब लेके नहीं बैठनी चाहिए ऐसा नहीं है। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो ये पंकज सरावत आज मेरे साथ बैठे हैं, अगर आप यूट्यूब चूज ना करते तो आप क्या होते? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता, मतलब सर गवर्नमेंट सर्वेंट होते आप? हाँ तैयारी कर रहा होता, सर्वेंट पेपर पहले बिक रहे हैं तो कह नहीं सकता, बाकी मैं तैयारी अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई यूट्यूब पे ऐसा कमेंट आया हो, बेस्ट कमेंट जिसको आप देख के एकदम दिल खुश नहीं हो जाता, कोई वैसा कमेंट बताओ, कोई कमेंट आया हो आपके? अधिकतर जो कमेंट आते हैं याद हो आपको कमेंट, वो कमेंट बताओ। याद है सबसे पहले जो एक कमेंट है मुझे देखने को मिला था, जिसको मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट मुझे बार बार मिलते रहे। अब मैं प्रयास करता हूँ सबसे तेज होने का, सबसे फास्ट होने का। हाँ भैया, तो ऐसी जो चीजें मैं करता रहता हूँ, जब इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड कर देता हूँ ना कि उनको पता है कि आज ये नोटिस आएगा, और उनको जब पहले ही मिल जाता है ना कि शाम को 4 बजे नोटिस आएगा, और मैं पहले निकाल के दे देता हूँ उनको ये अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट है पहले निकल के आ रहा है यहाँ से। तो ऐसे बहुत से कमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसका अदर साइड कई लोग आपके हेटर्स भी होंगे, वो बुरे वाले कमेंट भी करते होंगे, तो उनको आप कैसे डील करते हो? कमेंट्स की बात करूं तो हमने इस चीज से बचने की कोशिश की, हम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ चीजें थोपेंगे ना, तो आई थिंक जो हमारा जो फैमिली है YouTube फैमिली है वो कहीं ना कहीं नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, जैसे कि कई आपके फैंस हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको चाहते हैं, तो उसके अदर साइड आपके कई हेटर्स भी होंगे, हम जवाब नहीं देते है ना, तो उसको आप इस स्टेज पे आ गए कि उनको आप इग्नोर करने लगे। कई होते हैं ना कमेंट्स में गाली गलौज करके जाते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, जब मैंने बताया कि जैसे कि मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था उस समय, तो काफी लोग कहते थे नेता है नेता ऐसा, तो टाइम भी मैं उनको इग्नोर ही करता था, मेरा टारगेट अलग था, विजन अलग नहीं। जैसे शुरू में कोई जैसे फर्स्ट जो आप होते हैं तो कई कमेंट करके जाते हैं, उल्टे सीधे गालियां बकते हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? एक बार तो डिमोटिवेट होते हैं ना, अरे यार तुम गालियां बक रहे हैं, अपन डिलीट भी करते थे शुरू में होता था, पर अब तो आप क्या 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, अब तो आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा कमेंट देखने का। अब नेगेटिव कमेंट इतना आते भी नहीं है, मैंने देखा है कमेंट नेगेटिव हमारे चैनल पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई रोल मॉडल है कि जिसको यूट्यूबर जिसको आप बहुत पसंद करते हो, या कोई अदर यूट्यूब से बढ़कर और कोई क्रिएटर हो जिसको आप पसंद करते हैं, उसकी वीडियोज आप रेगुलर देखते हो या उससे कुछ सीखते हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब मैं यूट्यूब चैनल बनाया था उससे पहले शायद मैंने यूट्यूब को देखा भी नहीं, मतलब ना ही तो मैंने यूट्यूब पे कोई मूवी देखी, ना ही मैंने कभी खुद इन्फॉर्मेशन ली हो, ऐसा नहीं देखा। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आया उसके बाद में मैंने यूट्यूब को इतना देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कैसे शुरू में शुरुआत कर रहे हो, जैसे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे हम रीच बढ़ा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जाती है, एडिट कैसे होता है, सारी चीजें अपने उसके बाद मैंने यूट्यूब इतना देख लिया जिसका मतलब कि अंदाजा नहीं।
सारी चीजें अवेलेबल है ऊपर मिल जाती है। तो भी अब आ जाते हैं जिसके लिए बहुत देर से हमारी पब्लिक इंतजार कर रही थी, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप मैरिड हो या अनमैरिड? जहाँ तक अनमैरिड तो क्या घर वालों का क्या विचार है, आपका क्या विचार है, मतलब फिक्स है आप, कुछ चल रही है बात चल रही है? अच्छा भैया ये बताना नहीं चाहते है ना। चलो कोई बात नहीं, तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं इस चीज को रिलेटेड करनी है? क्या आप ये सोच जाए कि अब तो बड़ा यूट्यूबर बन के ही शादी कर? तो भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यूट्यूब कितना इनकम देती है आपको? बहुत जो हमारे पब्लिक बैठी है एक यही क्वेश्चन लगभग जो बनते हैं ना, एक यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो देख रहे होंगे शायद, जहां तक मेरे को लगता है। तो एक अंदाजा बता दो कि कितना कमा लेते हो आप लगभग यूट्यूब से? इनकम का लेके तो ऐसा है कि हमारे मिलियन मिलियन व्यूज तो आते नहीं है अभी फिर हमारा तो गिने। तो भैया आप डायरेक्ट मिलियंस पे नहीं पहुंचोगे ना, एक स्टेप बाय स्टेप सीट। एजुकेशन चैनल में क्या है कि पैसा कम होता है, अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो तो आई थिंक आपके पास इनकम होता है। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन चैनल है इसमें केवल इतना ही देखा जाता है कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। अब भैया बात को घुमाओ मत यार, बात घुमा रहे हो फिर भी कितना अंदाजन। चलो आप आंकड़ा मत बताओ, आप ये बता दो कि एक महीने में आप जो एक महीने की सैलरी है उससे आप कितनी बाइक खरीद सकते हो? एक स्प्लेंडर बाइक का अंदाजा लगा दो। दो महीने की से एक खरीद सकते हो? चलो बहुत बढ़िया। प्रमोशन पे डिपेंड करता है। चलो तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कोई ड्रीम कार हो? अभी सोचा नहीं। चलो भैया को टाइम ही कहाँ यार, आप दिन में मैंने बताया ना कि YouTube नहीं देखता था मैं YouTube से पहले। हाँ भैया ठीक है, जब ये मेरे दिमाग नहीं जैसे है ही नहीं है। जैसे आजकल यूट्यूबर्स का चल रहा है ना कि जैसे ही जो फेमस हो रहा है YouTube पे उनको तो बस गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियों का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूबर्स के लिए एक तरह से। मैं पैदल ही चलता हूँ लेकिन सोचेंगे समय पे आने। चलो भैया कभी आज तक आपने सोचा कि मैं YouTube को क्विट करूँ? हाँ भैया हो गया, बस आप पूरा दिमाग खराब हो गया आपके कि बस अब करना ही नहीं अभी। तो सोचा मैंने पहले ही बताया मैं तो कोई चीज शुरू या तो करता नहीं। अगर कि आपकी कोई वीडियो रीच नहीं जा रही हो, कोई वीडियो आपने बहुत मेहनत की और उस पर जितना आपने सोचा था उतना उस पर रिजल्ट आया नहीं। मैं जो वीडियो डाल चुका होता हूँ उसको दोबारा जानी है, फिर मैं अगले कंटेंट पे काम करता हूँ कि अगला कंटेंट क्या रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कंटिन्यूटी ऐसी होती है कि दो वीडियो डालने होते हैं वीडियो पे। तो भैया आएंगे फैमिली के ऊपर, पापा आपके क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर, गवर्नमेंट टीचर। फिर तो आपको बहुत मुश्किल हुआ होगा यूट्यूब स्टार्ट करना। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि टीचर है तो आपके पापा ने ही फोर्स किया होगा कि भाई पढ़ लिख के अपना गवर्नमेंट टीचर ही लग। ज्यादा प्रेशर मेरा पूरा फैमिली एजुकेशन से रहा है। फिर तो पापा बाबा दादा सब। और आप कितने भाई बहन हो भैया? मेरा छोटा भाई है, एक टीचर है, बड़ा ही बड़ा। आप तीन भाई बहन, बहुत बढ़िया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपके लिए कि आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ कि आपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की हो ना, एक बढ़िया कोई आपके इंसिडेंट्स अच्छा हुआ हो कि या तो आपके कोई चाहने वाले आ गए हो या कोई एक अच्छा सा इंसिडेंट्स बताओ। हाँ इसमें एक अच्छी चीज है बताओ। मैं कई बार सोचते रहता हूँ तो मैं हंसी भी आ जाती है मुझे। मैंने बताया भी काफी लोगों को। मैं एक बार क्या हुआ कि चैनल हमारा लगभग 40-50 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर के पास में था। मैं जयपुर गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए यूट्यूब से रिलेटेड। तो स्टूडेंट का जो मेन एरिया है आई थिंक टोक फाटक है जयपुर में, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहता है आसपास में। तो मैं मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ पे जानते हैं लोग लेकिन मैं वहाँ से क्या नॉर्मली मार्केट से निकल रहा था, बुक्स वगैरह देखने गया था मैं। तो वहाँ पे ऐसे मतलब कोई दूर से ही किसी ने बोला कठपुतली एजुकेशन वाले भैया। तो मेरा क्या नाम, जब अपना नाम आता है तो एकदम से कहीं से भी आवाज निकल रही हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे करती है। तो मैंने देखा एकदम से कब वीडियो डालते हो और कब एडिटिंग करते हो आपकी, कब उठते हो, तो पूरा ही आप बताइए। ऐसा है कि मैं अभी तो नहीं पा रहा हूँ, जैसे दिन में दो वीडियो आ रही है ना। हाँ
कैसे क्या डालते हो आप दोनों एक टाइम पे? तो हम ये देखते हैं कि पहले हमने कोई नोटिस डाला है तो उसका अगला नोटिस आने की कोई डेट है क्या? मतलब कुछ पहले से फिक्स होती है कि लिस्ट इतनी तारीख को आएगी या सब जाएगा, वो डेट हम मेंशन रखते हैं पहले कि इस दिन ये नोटिस आएगा, तो इस साइट को बार बार विजिट करते रहना है क्योंकि पास्ट में हमने सबसे पहले होना है, वो पहले नोटिस मिल जाता है। तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, उठने के बाद में प्रयास रहता है कि सभी को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई मिल जाए इंस्टाग्राम पर। उसके बाद डेली एजुकेशन अपडेट्स हम देते हैं कि न्यूज़ कटिंग में मतलब क्या रही है आज की हाईलाइट जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हम इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। फिर उसका लिंक बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। कुछ जीके के क्वेश्चंस रहते हैं जो हम टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल भी आपका? हाँ, टेलीग्राम भी है, वहाँ पर भी लगभग 30,000 के आसपास व्यूअर्स। तो इन चीज़ों के बाद में मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो अखबार से निकल के आया हो जिस पर वीडियो बन सकता है, तो उसको हम फास्ट करके सुबह 10 बजे से पहले वीडियो बना के देने का प्रयास करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कोई लेट नाइट को नोटिस आया हो, उसको हम सुबह जल्दी तैयार करके सुबह 8 बजे तक अपलोड कर देते हैं ताकि वो रन कर जाए। फिर उसके बाद ऐसा प्रयास है, दोपहर में हम देखते हैं कि शाम को क्या नोटिस रहेंगे, फिर शाम को आज कोई नोटिस नहीं आएगा, सैटरडे संडे है। मैं तो यार इसमें आपके ये सुनता जा रहा हूँ, आप पर्सनल लाइफ के लिए घंटा बिजी कहीं पे भी ऐसा नहीं, मतलब आप एकांत शांत थी आपको? हाँ भैया, मैं उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। अब लोग जो मेरे दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं, जैसे कि मैं मेरा बता दूं, मैं पिछले 4 दिन से भैया से बात कर रहा हूं कि भैया कब आओगे, भैया कॉल पे कह रहे हैं कि भैया अब आ रहा हूं, आज आ रहा हूं। जैसे परसों आपने बोला कि मैं परसों आ रहा हूं, फिर आपने मना कर दिया, जैसे 3-4 दिन से, और अभी भी भैया भागते भागते आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भैया जल्दी मेरे को वीडियो डालनी है। अभी भी मैं जब रास्ते में आ रहा था, मतलब कि भाई एक चीज तो अगर आपका एजुकेशन चैनल खोलना है तो उसमें बहुत मेहनत है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। ये बात है, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना दिया उसके बाद में हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे स्टूडेंट्स के साथ में, पहले दिन तो उसके लिए आ गए, आप दूसरे दिन नहीं देख रहे हो। फिर जैसे कि अभी मैंने आपसे एक गुड मोमेंट पूछा, तो एक कोई खराब चीज भी होगी, एक बैड मोमेंट भी होगा आपके लिए जर्नी में, कुछ तो होगा ही ऐसा। जब स्कूल में चैनल जब हमने बनाया था, तो मैं कह सकता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत से चैनल होते हैं सेम डालते हैं, तो मुझे भी शुरू में क्या जब नोटिस हम देख रहे थे काफ़ी, जैसे मैंने बताया काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती थी, किस तरीके से बतानी पड़ती हैं, तो मैं भी सीख ही रहा था, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं आज भी सीख रहा हूँ बहुत सी चीज़ें, जो कि मैंने 100 के सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हुए तो उस वीडियो में मैंने बोला आने वाले समय में सीखता रहूँगा। तो उस समय क्या हुआ कि बैडमिंटन मेरे लिए रहा कि उस समय चैनल पर ये कमेंट देखने को मिले, कुपिट कंटेंट ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कहा ना फास्ट, इसलिए मैं मतलब आया। आप ये कहना चाहते हो कि आपसे पहले कोई और चैनल वही वीडियो डाल रहा था, वही वीडियो नोटिस जिसके पास जाएगा पहले सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, जो डेट्स है किसी इन्फॉर्मेशन उसको मैं कॉपी क्या रहेगा, ये फोरम यहाँ से निकल रहे हैं आप भी बताएंगे मैं भी बताऊंगा अभी, तो उसमें काफी कमेंट्स आ रहे थे शुरू में कि भी कॉपी हो रहा है उस चैनल का, मतलब लोग बात कमेंट कर रहे थे कि आप उन जो भी एक्स वाई जेड चैनल है उनका देख उनका कॉपी कर रहा हूं। लेकिन फिर मैंने इस पे वर्क किया कि मैं कैसे फास्ट हो सकता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं हमेशा इस चीज पे वर्क करूंगा, सबसे फास्ट देने का मैंने प्रयास किया। भैया मैं देख रहा हूँ आप बार बार घड़ी देख रहे हो, भैया आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, एक लास्ट तो नहीं, एक ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए आपकी, आपने फ्यूचर में आपके चैनल से को लेकर क्या सोचा है कि आप आगे क्या क्या चेंजेस लाना चाहोगे, क्या क्या इंक्लूड करना चाहोगे, डिस्क्लूड करना चाहोगे, तो क्या कुछ सोच रही है आप? लेकर मैं पहले ही बता देता हूँ चैनल से रिलेटेड ये है कि अभी हम डिजिटल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं नॉर्मल बोर्ड पे लेकिन अभी मैं डिजिटल बोर्ड को लेकर अपग्रेड करने की सोच रहा हूं। ये बात मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि स्टूडेंट तक मेरी रीच बहुत आसानी से हो जाए, इसको लेकर मैं हर तरीके से स्टूडेंट का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है इन्फॉर्मेशन का है, सवाल होते हैं उसका जवाब देने का प्रयास हमारा होना चाहिए, वीडियो बना रहे हैं उसके भी जितने भी कमेंट आते हैं उनका जवाब देने का प्रयास होना चाहिए, तो ऐसा हम सोच रहे हैं। इसको लेकर मैं टीम बनाने को लेकर कमेंट्स तो बहुत होंगे आपके, तो आपने स्टूडेंट्स है वो वीडियो मांगते होंगे ना कि सर आप प्लीज इस वीडियो इस कंटेंट पे वीडियो बनाएं, हम रिव्यू करते रहते हैं इस चीज को लेकर, खुद बार बार पोस्ट डालते रहते हैं किस चीज का वीडियो आपको चाहिए, क्या क्या समस्या आ रही है कर लीजिए, लाइव सेशन भी हम करते हैं काफी, हाँ देखा था मैंने, तो लाइव सेशन को लेकर भी हम मतलब इन्फॉर्मेशन यही रहता है कि आपके सवालों के जवाब दे दिए,
का प्रयास। तो भी अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, जो कोई भी भाई जो एजुकेशन चैनल खोलना चाहता है तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए, कि जो फ्रेशर है जो आना चाहता हो या जिसने पहले से खोल रखा हो उसको क्या चीज देखनी चाहिए, क्या चीज समझनी चाहिए ताकि उनका भी चैनल ग्रो करे और वो भी स्टूडेंट से अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए। चैनल को लेकर मैं ऐसा ही कहूंगा कि जो भी देख रहे हैं ऐसा वीडियो या फिर जो आने वाले समय में यूट्यूबर बनने वाले हैं, चैनल क्रिएट करेंगे जिन्होंने बना रखा, उनको प्रयास ऐसा करना चाहिए कि वो एक तो पहले प्रयास यहाँ करें, कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो ये कई रहते हैं ना, आपको लगातार बने रहना होगा। कई रहते हैं जैसे कि शुरू में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, महीने भर तक तो मेरे में जोश था, मैंने डेली वीडियो डाल रहा हूँ डेली, उसके बाद से गायब हो गए, फिर मैं आ गए, फिर चले गए, मतलब ये चीज तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप आज नहीं डालेंगे, आज आपको नहीं देख रहे हैं, वो कल किसी और को देखेंगे। आपको एक बार आपने पब्लिक बनाई फिर आप बीच में स्टॉप बन गए, वर्क करना चाहिए बहुत बीच में, आप एक सब होगा। हां समझ गया। जब आपका ऑडियंस और भैया दूसरा पॉइंट क्या रखना चाहोगे आप? दूसरा पॉइंट ये कहूंगा कि आपको करंट से जो रिलेटेड अपडेट होती है, जैसे ब्लॉग चैनल की बात करूं, करंट जो मुद्दे होते हैं, मतलब जो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो करना है। एजुकेशन में जैसे फास्ट होता है, डेली कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ब्लॉग में क्या बनेगा, तो ऐसा कोई मुद्दा देखिए जो मतलब आज के ट्रेंड कर रहा है, किसी भी चीज पूरी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जल्दबाजी में बना दे ले, उसके बाद रिव्यूज के गलत है, तो उस पर स्टडी करना चाहिए। वीडियो आपका लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप कंटेंट में दम रहा तो आप बिल्कुल आप बढ़ते जाएंगे। मेरे साथी मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, जैसे मुझे प्यार करते हैं भाई को भी, मानवेंद्र को भी यहाँ पर सपोर्ट करना है। ऐसे ही जरूरी जो अपडेट्स हैं, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे देते रहते हैं, जैसे कि आज पॉडकास्ट का पहला जो पॉडकास्ट रहा है, ऐसे बाकी भी लोगों को भी बुलाने। और भैया इन फ्यूचर अगर जनता ने इस पॉडकास्ट को प्यार दिखाया तो दूसरा पॉडकास्ट बनता है ना, जरूर बनेगा बिल्कुल भैया। और रहेंगे यहाँ पर 100% साथ में चलेंगे, साथ में पढ़ेंगे, सारी चीज ऐसे ही पॉसिबल होती है। बाकी विद्यार्थियों से आने वाले समय में मिलूंगा, ये जान तो भैया इतनी देर में भैया की एक बात बताता हूँ आपको, आप सब हंसोगे कि भैया यहाँ बैठे थे ना, तो इतनी देर में भैया को एक कॉल आया, तो भैया ने कहा यार एक अर्जेंट नोटिस है और इस पे मेरे को वीडियो बनानी है अभी, वो वीडियो एक देखना भैया का, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कि भैया ने यहाँ बैठ के वो वीडियो शूट की है, कहा यार अर्जेंट है मेरे को जल्दी से जल्दी बनाना, तो इससे देखने को मिलता है कि आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला, भैया आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि भैया कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचे, बीच में क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या नहीं आई, तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला, और होप तो आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब तो यार भैया ने भी बोल दिया कि छोटे भाई, भैया का छोटा भाई हूँ यार, कि भाई का भाई को चैनल सब्सक्राइब कर दो, भैया ने बोल दिया तो यार अब तो तुम कर ही दो यार, काफी समझदार हो, सपोर्ट कर दीजिए भाई को, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, तो भैया ने कह दिया तो वो कर ही देंगे यार। तो भाई करते हैं इस पॉडकास्ट को यही एंड, मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ, होप सो आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना है ना, आप आते और देख के चले जाते हो तो सही नहीं रहता, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और भैया भी मोटिवेट होंगे, तो आए हो तो इस पॉडकास्ट पे कमेंट जरूर छोड़ कमेंट और लाइक करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना यार, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोकेलिटी में वीडियो शेयर करो, और बाय बाय, ठीक है भैया, टेक केयर, चलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जाके पसीना ओके गाइस बाय बाय।